ਅਜਾਬ ਬਿਲ ਲਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਬਾਰਕਾ ਬਾਰਕਾ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰਕਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਚੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਆਰਮਾਂ ਦੇ ਸਫੀਲ ਦਿਨ ਪਾਈ ਮਾਰਖਾ ਮਾਰੇ ਹੋਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਧਰ ਵੇਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦਸ ਨਾਲ ਅਸੇ शुक्रिया मीडिया जरा का और मैं तमाम मेरे भाई बंधु दोस्त बुजुर्ग जो आए हैं मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल खूस मैं यहाँ की एजेंसी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ऐसे इस काबिल समझा और यहाँ से जो रिपोर्टिंग गई वहाँ तक मुझे जो ये डिग्री मिली गई मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि ये डिग्री मिलना बहुत आसान काम नहीं था मेरे तो समझ से बाहर थी ये मुझे यहाँ बुलाया गया गोवा में बुलाया गया तो हमारी पहले टिकट हुई जम्मू से गोवा तो जब हम जम्मू पहुंचे तो हमें कहा गया कि आप अमृतसर से गोवा आएंगे आन जान की टिकट उन्होंने की तो मैं दिल की गहराइयों से उस यूनिवर्सिटी का उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी काम किया आज तक कभी मीडिया के सामने या कभी फोटो खिचड़ाने दिखावा करना वो कभी नहीं किया क्योंकि गीता में भी है कुरान में भी है और गीता में भी है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए जो काम किया वो पर्दे के पीछे रह के किया तो लेकिन मालिक ने उसका सिला दिया मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उस एजेंसी हजरात का और उस यूनिवर्सिटी का कि जिन्होंने मुझे इस कबुल समझा और जम्मू कश्मीर से मुझे बुला के इस कबल समझ के मुझे ये डिग्री दी मैं कहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया औरी मेंडर, मेंडर की की तरफ से मैं उस मालिक का बहुत मशहूर हूँ पहले जिसने हमारे भाई को इस मुकाम तक पहुँचाया और ये बड़ा एज़ाज़ जो यूनिवर्सिटी ने हमको भाई की सूरत में डिस्ट्रिक पुंच को दिया मैं दिल की अहमी गहराइयों से अपनी एजेंसी और इनके काम को मुबारक देता हूँ जिन्होंने एक बेहतरीन ये तो एक एजाज़ मिला है इनको जिस पर हमें डिस्ट्रिक्ट पुंच में बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर में सबको फख्र होना चाहिए इनका काम भी ऐसा ही था मैं इनकी जतीी ज़िंदगी से भी बहुत करीब से वाकफ़ हूँ इन्होंने इन हर फील्ड के अंदर हर एक समाजी आ, आ, एक्टिविस्ट होने के साथ साथ इन्होंने जो सोशल वर्क लोगों के लिए किए दोस्तों यारों में भी रह के हमने कोई भी आदमी ऐसा नहीं हुआ जो इनकी ज़ात पे हाथ उठा सका बल्कि इन्होंने हर सिस्टम के साथ जो है एक इंसानी जिंदगियों के साथ हमदर्दी रखी चाहे वो कैसा भी दौर आया मैंडर के अंदर कोई मुश्किल आई कोविड का मामला हुआ या और भी जो परेशानियाँ हुई आ, संजीव कुमार फैंसी जी ने वाकई इसके मुस्तीक थे और आज हमारे बीच एक बहुत बड़ा जो इनको अवार्ड से नवाजा गया हम उनका दिल की अहमी गहराइयों से मशकूर हैं जिन्होंने एन फितरत के मुताबिक इनके काम के मुताबिक जो है वो अवार्ड जो दिया मैं ये समझूंगा कि उन्होंने इस अवार्ड को एक अच्छे और मुनासिब जगह पे एडजस्ट किया है